सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के हालात पर वहां एक बड़ी बैठक करेंगे। आईटीबीपी सभागार में ये बैठक होगी जिसमें पुलिस, सेना और आईटीबीपी के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं जोशीमठ में इन लोगों के घर खतरनाक घोषित हो चुके हैं और उन्हें गिराया जाना है। उत्तराखंड सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए की फौरी राहत भी देगी। दूसरी तरफ अब कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरारें पड़ने की खबर सामने आई है। पिछले एक हफ्ते में वहां पर मकानों में दरारें पड़ गई हैं और हालात भयावह हो रहे हैं, लोग दहशत में हैं। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए ये एक चिंता का विषय बन चुका है। सबसे पहले घरों में दरारें आए, जोशीमठ से तस्वीर सामने आई और अब कर्णप्रयाग से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ लोगों के घरों में दरार पड़ रही है, लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में है। आईटी रुड़की का सर्वे हुआ है लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है, आखिर ये पता चल सके कि देवभूमि में इस तरह की तस्वीर सामने क्यों आ रही है। देवभूमि का सामना इन दिनों ऐसे संकट से हो रहा है जिसे पार पाना वहां की इंसानी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। पहले ये खतरा सिर्फ जोशीमठ पर मंडरा रहा था लेकिन अब कर्णप्रयाग में भी इस डेंजर डिजास्टर ने दस्तक दे दी है। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, घरों में दरारें एक जैसी हैं लेकिन दहशत का ये मंजर दो इलाकों में मंडराते खतरे का है। एक तस्वीर है जोशीमठ की और दूसरी है वहां से 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग की। इन दिनों दोनों ही इलाकों के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। चलिए अब आपको इन दोनों जगहों के मौजूदा हालात को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। पहले बात जोशीमठ की। जोशीमठ में मकानों में दरारों के बीच मुआवजे का दंगल चल रहा है। वहां के जो 700 से ज्यादा मकानों और दो होटलों को खतरनाक घोषित किया गया है और उन्हें गिराने का सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके एवज में उनके मालिक सरकार से उचित मुआवजे की मांग पर पिछले 2 दिन से अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक मुआवजा नहीं तब तक कार्रवाई नहीं। ये तो जो सरकार के आला अधिकारी हैं ये उनको देखना चाहिए और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो प्रभावित हुए हैं उनकी सबकी एक मांग है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर हमको मुआवजा दिया जाए और जब तक ये बात नहीं हो जाती है तब तक ये सब लोग, हम सब लोग, पूरा जोशीमठ पूरा क्षेत्र पीछे हटने वाला नहीं है। बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा देने की बात हुई उस पर कोई डिसीजन नहीं ले गया। जब हम यहाँ पे बैठते हैं प्रशासन हमें दबाव देने के लिए बैठके बुलाता है और उसके बाद फिर गहरी नींद में सो रहा है। लोगों के प्रदर्शन और गुस्से को देखते हुए सीएम पुष्कर धामी को जोशीमठ जाना पड़ा। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही 1.5 लाख रुपए के फौरी राहत की घोषणा भी की। सीएम पुष्कर धामी ने इसका ऐलान करते हुए ये भी साफ किया कि ये सिर्फ फौरी राहत है और इसके बाद लोगों की जमीन और घरों का आकलन करने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये मुआवजा बद्रीनाथ में दिए गए मुआवजे की तर्ज पर होगा या नहीं ये सरकार ने अभी साफ नहीं किया है। जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है जिससे कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो उनके ऊपर बर्डन आ गया है, आना जाना पड़ रहा है, अपने को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसका इंतजाम कर लें। जो भी मॉडल हो सकता है, केदारनाथ का मॉडल या वरुणावर्त पर्वत उत्तरकाशी का मॉडल या नया मॉडल, उसके आधार पर हम यहाँ पर पुनर्वास को आगे बढ़ाएंगे, सभी को सहायता प्रदान करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं कि पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, इसीलिए अभी सब कुछ सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं। तो जो जरूरी है मानेंगे, उन्हीं को मनाने के लिए तो आए हूँ। हाँ, मैं सब जगह मिलकर आ रहा हूँ, अभी और जाऊंगा। जहाँ भी है मैं सबसे वार्ता करने के लिए आया हूँ। धामी सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सरकार, स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। ये कमेटी मंथन के बाद बेहतर पुनर्वास के पैकेज की सरकार को सिफारिश करेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात को जोशीमठ में ही रुके। आज वो आईटीबीपी सभागार जोशीमठ में मौजूदा हालात पर अहम बैठक करेंगे जिसमें पुलिस, सेना और आईटीबीपी के अधिकारी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम की जोशीमठ में मौजूदगी के दौरान वहां खतरनाक घोषित किए गए दोनों होटेगी। फिलहाल राज्य सरकार, प्रशासन और वहां के लोग भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं
कि इस संकट की घड़ी में मौसम उनका साथ दे। पहले से ही बेघर होने की कगार पर सड़क पर बैठे लोगों पर अगर बारिश और बर्फबारी की मार पड़ी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सर्द मौसम में उनका क्या हाल होगा।